आंदोलन को रुकने मत दीजिएगा। अगर इस आंदोलन के लिए और इन न्याय के लिए अगर हमें खून बहाना पड़ेगा तो हम इसके लिए खून अपना बहाएंगे। ये भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य ये बर्दाश्त नहीं करने वाला है। शासन प्रशासन की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। हमें कायदे से रोक दो, हम सड़कों पर नहीं आते। हम परमिशन हमने आप लोगों को सूचना दी थी पर आप लोगों ने फोन करके नहीं बताया कि आप लोग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। हाथरस गैंगरेप मामले पर पीड़िता को न्याय मिले इसके लिए भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की पूरी महिला कमांडर आज लखनऊ के परिवर्तन चौक से लेकर हजरतगंज डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा तक कैंडल मार्च निकालकर आदांजलि देने के लिए जैसे ही इकट्ठा हुए वैसे ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जबरन गाड़ी में भरना शुरू कर दिया और महिला कमांडो के साथ अभद्रता भी की। जबकि मिली जानकारी के अनुसार लक्ष्य कमांडर बाकायदा जिला अधिकारी व पुलिस कमिश्नर और थाने से परमिशन से शांतिपूर्वक ये मार्च निकालने वाली थी। शाली जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आज हम लोगों 2 बजे का टाइम लिया था, पहले तो हमने कमिश्नर को भी एप्लीकेशन दिया, DM को दिया, बाकायदा एप्लीकेशन ली गई थी और जो हजरतगंज थाना है यहाँ भी मैंने एप्लीकेशन दी और उसके बाद किसी ने मना नहीं किया, सबने एप्लीकेशन ले ली। बड़ी दुख की बात तो ये है, अगर आपको हमको कैंडल मार्च नहीं निकालने देना चाहिए था, मनीषा बिटिया की इतनी बड़ी घटना थी, अगर करना था तो मुझे मना कर देते, हम लोग आते ही नहीं यहाँ पर। और जस्ट हम लोग 2:10 पर पहुँचे हैं, पुलिस की गाड़ी पहले से वहाँ खड़ी थी और इन लोगों ने आ करके तुरंत महिलाओं के साथ जो बदतमीजी शुरू करी है पुलिस प्रशासन ने, महिलाओं को धक्का दिया, बल्कि हमें खुद धक्का दिया। लेडीज पुलिस थी, जहाँ तक जेंट्स को महिलाओं को हाथ लगाने की परमिशन नहीं है, पर उन्होंने भी देखा या हाथ लगाया, उन्होंने महिलाओं को हमारी खींच खींच करके बैठाला। लेडीज पुलिस थी, उन्होंने खींच करके बैठाला। अगर आपको करना नहीं दे, मतलब अगर हमें परिवर्तन चौक पर कुछ करने नहीं देना चाहिए था तो आपको हमें मना करना चाहिए था और हमसे कहा गया कि आपको हम फोन करके बताएंगे। ये सब देखा जाए, षड्यंत्र रचा जाता है और षड्यंत्र के तह लोग आए, उनको उठा करके इको गार्डन में बैठा दिया जाता है। कितनी एक दुख की बात है, आज जो है मनीषा के साथ इतनी बड़ी घटना घटी है, अरे कल का ऐसा ना हो, जो शासन प्रशासन में लोग बैठे हुए हैं अगर इनकी बेटियों के साथ होगा तो ये तो किसी से नहीं कहने वाले हैं। हम तो अपने भोजन समाज को ये संदेश देना चाहते हैं, इस आंदोलन को रुकने मत दीजिएगा। अगर इस आंदोलन के लिए और इन न्याय के लिए अगर हमें खून बहाना पड़ेगा तो हम इसके लिए खून अपना बहाएंगे। ये भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य ये बर्दाश्त नहीं करने वाला है। शासन प्रशासन की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। हमें कायदे से रोक दो, हम सड़कों पे नहीं आते। हम परमिशन हमने आप लोगों को सूचना दी थी पर आप लोगों ने फोन करके नहीं बताया कि आप लोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ये मनीषा बिटिया के साथ हुआ है तो इसके लिए हम लोग जब तक इन दोषियों को फांसी नहीं मिलेगी तब तक पूरी तरीके से लगे रहेंगे। इस तरीके बलरामपुर की घटना है, बच्ची के साथ रेप हुआ है, उसके पैर तक तोड़े गए हैं, कितनी शर्म की बात है। अगर रोकना है तो इन अपराधियों को रोको, इन अपराधियों को रोको। और हम लोग को रोकने से क्या मिलेगा, हम तो न्याय के लिए खड़े हैं और हमेशा इस तरीके से निकलते रहेंगे। आपको अरेस्ट करना है, आप लोग बार बार अरेस्ट करिए, हम अरेस्ट होने के लिए तैयार हैं, मगर कभी हम रुकने वाले नहीं हैं, अपने जीते जी हम रुकने वाले नहीं हैं। इसी तरीके से देखा जाए सरोसा की घटना है, सरोसा में 22 अगस्त को देखा जाए बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और पुलिस प्रशासन ने उसको अपने आप ले जाके दफना दिया, उसकी डेड बॉडी चेंज कर दी गई, उसको दिया नहीं गया, पूरे गांव वालों पे डंडा बरसाया गया बुरी तरीके से। क्या हमारे लोगों भोजन समाज के साथ ऐसा होगा? क्या हमारे भोजन समाज की बच्चियों के साथ ऐसा होगा? क्या आप लोग इसीलिए हम लोग सरकारें चुनते हैं कि आओ हमको मारो, आ करके हमारी बच्चियों के साथ रेप करो? ये कितनी दुख की बात है, जो एक महिला बुजुर्ग होती है, बिस्तर पर पड़ी होती है, फिर भी वो वोट करने जाती है कि उसका वोट का अधिकार है। आज हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, कोई महिला सुरक्षित नहीं है। कितनी शर्म की बात है, कितनी दुख की बात है, ये देख देख करके दिल दहल जाता है। ये शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों को पता नहीं कितनी इनको जो है ये मुँह अपना नहीं खोलते हैं। हम तो बहुजन समाज के नेताओं से कहते हैं, अगर नहीं बचा सकते हो इज्जत, नहीं उठा सकते हो आवाज़, तो इस्तीफा दे दो, हाथों में चूड़ियाँ पहन लो,
जाओ और घर में आकर के बैठ जाओ, अपने भोजन समाज के नेताओं को ललकार रहे हैं। इस लायक नहीं हो तो छोड़ दो, वहाँ बैठे हो जो गुलामों के साथ में, छोड़ करके घर में बैठो, कम से कम अपनी बेटियों की इज्जत सुरक्षित कर सकते हो। आप सभी को अगर देख रहे हो तो ज़रूर आप लोग घरों से निकलिएगा, अपनी बहू बेटियों को ज़रूर निकालिएगा। अगर हमारी बेटियाँ देखा जाए निकलेंगी तो वो स्ट्रांग बनेंगी, अपनी इज्जत बचा सकेंगी, अपनी बात कह सकेंगी, वरना कोई नहीं बचाने वाला है, हमें खुद सक्षम बनेगा। जय भीम, नमो बुद्ध। सम्यक TV 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।